Assalamu alaikum class, here is Vishran and my presentation topic is introduction of stem cells. First of all, if we look at history, in 1998, human embryo ke andar se researchers ne stem cells ko extract kiya tha. 1999, mein cadavers, dead bodies, thi, unke embryo ke andar se insulin making stem cells ko transplant kiya tha. 2001, mein, President Bush ne stem cells ki jo research ke liye funding thi, usko restrict kiya tha. 2002 में जेवनाइल डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर्स ने 20 मिलियन डॉलर्स जो वो फंडिंग दी थी स्टेम सेल्स रिसर्च के लिए. 2002 में कैलिफोर्निया में स्टेम सेल्स के लिए रिसर्च सेंटर बना था. 2004 में हार्वर्ड रिसर्चर्स ने एम्ब्रियो के अंदर से स्टेम सेल्स को ग्रो करवाया था बाय यूजिंग प्राइवेट फंडिंग. 2004 में बैलेट ने 3 बिलियन बॉन्ड डोनेट किए थे स्टेम सेल्स के लिए. नेक्स्ट स्टेम सेल्स होते क्या हैं. स्टेम सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी. ये अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कंटिन्यूसली डिवाइड करने की, डिवेलप और डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल्स और टिश्यूज. इसके अलावा स्टेम सेल्स में एबिलिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल की, मीन्स के ये रिपेयर या रिग्रो कर सकते हैं डैमेज और जो इंजर्ड सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं उनको. स्टेम सेल्स की राइज टू मल्टीपल टिश्यूज़ और सेल्स जिनमें स्किन सेल्स, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, इंटेस्टिनल सेल्स, फैट सेल्स ये सब आ जाते हैं. ऑल सेल्स इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर सारे सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं. स्टेम सेल्स को रिपेयर सिस्टम भी कहते हैं. नेक्स्ट इसकी टाइप्स में 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, नेक्स्ट अडल्ट स्टेम सेल्स एंड देन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स.